तो गुरु वो एक चीज और जो थी वो मुझे ये अच्छी लगी कि जैसे गाड़ी अभी चार नंबर में, ठीक है, तो इसको मैं आया न्यूट्रल कर देता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल कर दिया ना, तो देखिए अगर गियर छोड़ दे, क्लच और वो एक्सीलेटर मैं छोड़ता हूँ तो ये मुझे नंबर बताता है कि कितने नंबर में मैं गाड़ी उठाऊंगा तो गाड़ी चलेगी। तो और क्योंकि यही काजू है, यही मेरी गाड़ी चलाया था, यही 207 पलटाया भी था पहली बार देवरिया में। बट इसका प्रॉब्लम सिर्फ दो आता है, एक तो क्लच प्लेट, जो कि आपका क्लच प्लेट ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे आप क्लच प्लेट महक जाएगा, और इसका जो BS6 है क्लच प्लेट का रेट आपको महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो जिन जिन लोगों ने बोला था ना योद्धा चलाओ, ये देखो ब्रांड न्यू योद्धा, और ये काजू का है जो मेरे मौसी का लड़का था, मेरा 207 टाटा चलाता था, उसने लिया है। तो जिन लोगों ने बोला था, आप दोनों गाड़ी की कंपैरिजन भी बता दूंगा, और पहले इसको आपको मैं चला के दिखाता हूँ। और क्योंकि योद्धा मैंने चलाया नहीं, 207 हम दोनों ने खरीदा था ये, और मैं 207 को जब तक चलाए मैं और यही चलाए थे, तो इसको अभी मैं चला के दिखाता हूँ। 207 तो हमने खैर बेच दी, बट टाटा योद्धा पहली बार चला रहे हैं, आपको इसकी बाकी चीज़ें भी दिखा दूंगा, पहले इंटीरियर इंटीरियर बाद में दिखाऊंगा, पहले चलाते हैं। तो पहले इसका सीट वीट कंफर्टेबल है भाई, क्योंकि अपने गाड़ी का सीट जो है वो मुड़ता नहीं है, और अपना 207 था उसका मुड़ जाता था, आगे पीछे होता था, कहाँ गया इसका। तो अभी सीट वीट कंफर्टेबल कर ली, क्योंकि नई गाड़ी है तो थोड़ा वो है, तो पहले इसको चलाते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। तो अभी इसको मैंने चालू कर लिया और चला रहा हूँ भाई, अभी स्पीड स्पीड सब आपको बताएंगे। अभी 60 में है, 5 नंबर में 60 की स्पीड में जा रही है, और ये ग्लास में जो है जो लोग फिल्म विलम लगवाते हैं तो इसमें दिया है, कंपनी ने ही फिल्म दिया है, लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इंटीरियर देख सकते हैं, पूरा इंटीरियर इसका, और सीट भी ये है जो इसने बड़ा दिया हुआ है, पूरा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी वाली बढ़ाई है, इसमें नहीं दिया है। गियर वेयर सब इसका एकदम चौचेक दिया है भाई। ये 8.5 लाख की है ना, 8.5 की पड़ती है ना, ये 8.5 की ये है भाई, और अपनी जो गाड़ी है वो 9.5 की है महिंद्रा की। फ़र्क इतना है कि बस इसके और उसके एवरेज में फ़र्क है, और इसका मीटर मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि इसका मीटर जो है वो मल्टीमीटर दे दिया है, स्पीड कितने नंबर में गाड़ी है वो भी दिखा रहा है क्या। नहीं हाँ एक मिनट, हाँ इसमें ये देखिए टाटा की गाड़ी का एक चीज़ बहुत सही लगा कि इसमें नंबर दिखा रहा है, देखिए गाड़ी मेरी जो है वो 2 नंबर में है, तो ये दिखा रहा है सेम स्कॉर्पियो वाली सिस्टम, जो मैंने स्कॉर्पियो में जो चीज़ें दिखाई थी वो इसके अंदर है। अभी गाड़ी जो है 3375 किलोमीटर चल चुकी है, इसके 20,000 पे सर्विस होती है, और भी चीज़ें हैं, और चलाने में बहुत कंफर्ट है। और महिंद्रा बोलेरो पिकअप से जो है उसकी सीट इसकी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बढ़िया है। टाटा की गाड़ी का यही एक चीज़ अच्छा है कि कंफर्ट बहुत अच्छा होता है चलाने में। बट इसका प्रॉब्लम सिर्फ दो आता है, एक तो क्लच प्लेट, जो कि आपका क्लच प्लेट ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे आप क्लच प्लेट महक जाएगा, 25,000 क्लच। और इसका जो BS6 है क्लच प्लेट का रेट आपको पता है 25,000 रुपये है, अगर इसका क्लच प्लेट महकता है तो गचाक करके 25,000 रुपये घुसेगा और एकदम मज़ा आ जाएगा, जिसने भी इसको संभाल के नहीं चलाया तो। और उसके बाद जो है इसका दूसरा प्रॉब्लम है एवरेज का, ये इसका एक खुटी तेल में ये 80 किलोमीटर जाती है और वो 150 किलोमीटर जाती है, लगभग ये लोडिंग 80 जाती है। इसका हॉर्न बहुत तगड़ा है भाई, मतलब सब मस्त है एकदम यार, ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी, आप इसको ले सकते हैं, मुझे पसंद आई। क्योंकि मैं टाटा की गाड़ियों में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे को पैसे कमाने हैं, और टाटा जिनका कम बजट हो भूसा उसा ढोने के लिए वो चीज़ में ये कम्फर्टेबल गाड़ी है, और जो है लोडिंग के लिए ज़बरदस्त है कि आप ज़्यादा लोडिंग कर सकते हैं। 17 क्विंटल पासिंग है इसकी ना, 17 क्विंटल पासिंग है ना, 17.90 किलो इसकी पासिंग है, मतलब 18 क्विंटल के आसपास, पर आपको लोडिंग करना है, आप 4 टन ला दिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 4 टन लाद के आप बहुत आराम से जा सकते हैं। इसका क्लच का थोड़ा इशू है, बार बार क्लच नीचे फंस रहा है, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि धीरे से छोड़ने पर हमारा क्या है धीरे धीरे आता है, तो ये धीरे धीरे नहीं आ रहा है। और भाई इसमें स्पेस बहुत है, जगह जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम लोगों की गाड़ियों में बहुत कम स्पेस है, और ये जो हमारी बोलेरो की एक्स्ट्रा लॉन्ग आती है उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो स्पेस का यही सीन है भाई, बढ़िया है। ये किस लिए दिया है, अच्छा वो लाइट पार्किंग लाइट के लिए है, और एसी लगवा सकते हैं आप, बाजा लगवा सकते हैं आप, इसने अभी कुछ नहीं लगवाया है अभी तो कल कमानी मानी टाइट हुआ, तो कमानी लगवाया था टाइट हुआ ना कल, वही कल ही कमानी लगा, कल लगा तो ढो कैसे रहा था सामान, कम वजन, अच्छा कम वजन, अभी कितना आज लाद के गया था, आज हाँ 35 क्विंटल, अच्छा कहाँ गया था, फर्क ना पड़ा, कहाँ गया था, नहीं आजमगढ़ बस, क्या था,
बीट था, वो जो बाथरूम वाला गेट ऑफ नहीं लगता बीट वाला, लहर तारा चल रही है। तो फिलहाल ये ट्रांसपोर्ट में से चला रहा है लहर तारा से, बाकी खुद का भाड़ा था। इसका खुद का भाड़ा है, जब फिर से जा रहा हूं लोड करने। जाएगा फिर से लोड करके, मतलब रोज का भाड़ा है, टेंशन नहीं है, मेरे जैसा है चलेगा। जब पक्के कच्चा माल हम लोग का चालू होगा, कमाई ज़्यादा होगी तो उधर से इधर का सक के चला आएगा। फिर लंबा लंबा जाएंगे, सब योद्धा है तो ये जा सकती है पूर्णिया उर्णिया, कहीं भी जाएगी एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो और क्योंकि यही काजू है, यही मेरी गाड़ी चलाया था, यही 207 पलटाया भी था पहली बार देवरिया में। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अभी जो इसकी स्पीड है, ओवर स्पीड में जा रहा हूँ, मतलब 80 काटा हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं भागेगी। तो कम्फर्टनेस में गाड़ी बढ़िया है, देखो उछड़ रही है हल्का कमानी की वजह से, क्योंकि कमानी बढ़वाया हुआ है, आगे भी कमानी ही है ना, कमानी आगे है लेकिन हवा आगे 100 है इसीलिए। हाँ तो कम करवा, हवा 40 करा दे। आगे जो है इसने हवा 100 रखा है इसीलिए उछड़ रही है, नहीं तो ये उतनी ज़्यादा गाड़ी उछड़ती नहीं है, नॉर्मल रहती है। लोड कर दिया था ना इसीलिए। हाँ तो अभी दोनों में कंपैरिजन भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि वो मेरी गाड़ी लेकर अभी पता नहीं कौन सी स्पीड से कहाँ चला गया, मुझे खुद नहीं पता। तो पहले इसको चलाते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से अब आगे। तो गुरु इसको चला के बहुत मज़ा आ रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें, तकरीबन मैं अभी 30 किलोमीटर चला चुका हूँ, बहुत सी चीज़ें इसमें जो है वो मैंने नोटिस किया कि वो ठीक भी है। जैसे कि मैं मीटर में दिखा रहा हूँ, अब मीटर में देख सकते हैं 3 नंबर के नीचे एक लाइट जल रही है, जो कि आपको मतलब वार्निंग देती है कि आप गियर कम करिए, 3 नंबर से कम करिए। और वो जो मतलब कि अभी मैं क्लच पे प्रिपेयर रखा हूँ, क्योंकि सामने गाड़ी है इसलिए, नोटिस की थी वो मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ा आगे गाड़ी है, वो चीज़ आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। अरे 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 भैया ऑटो जाने दो यार, अभी हम फिलहाल पहुँच चुके हैं चंदवक, तो लगभग मैं 20 से 30 किलोमीटर आ चुका हूँ। और जो वो चीज़ है वो अभी स्पीड पकड़ेगी गाड़ी तभी बता सकते हैं, क्योंकि ये बाइक वाले हैं। अरे गुरु जा यार, लड़ जा आपस में सब लोग, पीछे से वो पैपे पैपे कर रहा है। अरे यार तुम लोग को तो और जल्दी है भाई, किसी के अंदर सब्र नहीं है। ठीक है गुरु, तो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा मैं गाड़ी का जब स्पीड बढ़ाऊँगा तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं तो कर ठेलवा खींच देवे का। नहीं ठेलवा नहीं खींच दिया भाई, वो साइड मतलब उस साइड का जो साइड ग्लास है वो टूट चुका है, देख सकते हैं कहीं ठोक ठाक के तोड़ दिया ये अभी। तो देखिए ये जो है ना 4 नंबर के नीचे देखिए वार्निंग आ रहा है, 4 नंबर है वहाँ पे एक बहुत छोटा सा लाइट जल रहा होगा, देखिए नीचे के साइड, मतलब ये गियर कम करने का वार्निंग दे रहा है। अभी जब गियर बढ़ाने का वार्निंग आएगा, देखिए अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो जो वो लेफ्ट राइट में जल रहा है ना वो अभी लेफ्ट में जलने लगेगा, तो वो बताएगा। देखिए अब वो राइट में ऊपर की साइड जा रहा है अप में, तो मतलब वो हमें वार्निंग कर रहा है कि आप गियर अब बढ़ा लीजिए। ये सारी फीचर्स जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी जो लाइटें हैं इसकी, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम महिंद्रा बोलेरो पिकअप की तरह ही है सब कुछ, कि मतलब आपको कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें। तो बड़ा मज़ा आया इसको चला के, बहुत सी चीज़ें इससे सीखे भी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं लेनी चाहिए। बस एक चीज़ जो इसकी गलती है वो है एवरेज वाला, वही मैटर है। और इसके बारे में अभी इसको खड़ा करते हैं, फिर बात करते हैं आप सभी से अच्छे से। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। और गुरु एक और चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी जो थी वो है कि जैसे कि हम गाड़ी अभी चला रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, तो गुरु वो एक चीज़ और जो थी वो मुझे ये अच्छी लगी कि जैसे गाड़ी अभी 4 नंबर में, ठीक है, तो इसको मैं न्यूट्रल कर देता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल कर दिया ना, तो देखिए अगर गियर छोड़ दे क्लच और वो एक्सीलेटर में छोड़ता हूँ तो ये मुझे नंबर बताता है कि कितने नंबर में मैं गाड़ी उठाऊँगा तो गाड़ी चलेगी। तो जैसे कि अभी मैं 5 नंबर में भी अगर उठाता तो गाड़ियाँ उठ जाती, चलती, बंद नहीं होती। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, एक और ये चीज़। बाकी और अब चला रहे हैं तो आपको बता रहे हैं और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि चलाने से सारी चीज़ें पता चलती है। और मैंने जो है इस गाड़ी को पहली बार चलाया, इसके पहले मैंने योद्धा नहीं चलाया था, मेरे पास 207 थी तो 207 चलाया था, वही था, इसका मुझे कुछ नॉलेज वॉलेज था नहीं, तो इसका भी एक्सपीरियंस कर लिए और चला के भी मज़ा आया और सिस्टम भी इसका सब सही है। बाकी चीज़ें आपको बताया ही क्या क्या है इसके अंदर, तो चलिए मिलते हैं आगे आप सभी से। तो गुरु हमने इस गाड़ी को चला लिया, आपको दिखा दिया, सारा चीज़ें बता दिया, जितना मेरे से हो सका ड्राइविंग का बताया हूँ। इसका रिव्यू का अलग वीडियो होगा, क्योंकि रिव्यू में हम अलग पूरा बताएंगे इसका क्या है कैसे है, वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो पहले इस मतलब ये हो गया ड्राइविंग, जो मैंने चलाया, जो मैंने सीखा, जो मैंने बताया वो चीज़ें। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक ऐसे ही हर रोज़ नए नए वीडियोस पहुंचते रहें। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।